नमस्कार, सीएनबीसी आवास पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और यह है प्रॉपर्टी गुरु का स्पेशल एपिसोड। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देश में अब नई सरकार आ रही है, मोदी 3.0 की तैयारी है और इस बार ये गठबंधन की सरकार है। वैसे तो पहले भी ये एनडीए की ही सरकार रही, लेकिन हम सब जानते हैं कि बीजेपी वहां क्लियर मेजॉरिटी से थी तो उसकी बात अलग होती थी, लेकिन इस बार मेजॉरिटी से सिंगल पार्टी को नंबर थोड़ा कम है, इसलिए कोएलिशन का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन इस देश ने कई कोएलिशन गवर्नमेंट्स देखी और वो भी सफलतापूर्वक चली है और इस बार भी उसमें लगता तो नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई दो राय है, लेकिन ये वक्त के साथ हमें चीज़ें और साफ होती हुई नजर आएगी क्योंकि राजनीति और देश दोनों हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो नई सरकार हमारी आ रही है, इसमें देश का जो ग्रोथ पैटर्न है, जो ग्रोथ साइकिल है, क्या उस पर किसी तरह की कोई इम्पैक्ट आएगी? और चूंकि हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर की और बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो क्या वहाँ सरकार में बदलाव या सरकार के कंटिन्यूएशन में लेकिन उसके पैटर्न में बदलाव कोएलिशन गवर्नमेंट आने से इन चीज़ों पर क्या फर्क पड़ता है और पड़ता है तो कितना, और उसमें आपके लिए समझने जानने का क्या है? तो आज ये सारी बातचीत होगी, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है चर्चा और इसीलिए आज हमारे साथ हैं दो शानदार मेहमान, कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के ईडी गुलाम जिया साहब और लाइसेंस फरास के एमडी पंकज कपूर साहब। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने जिक्र किया कि देश में अब नई सरकार आ रही है और इस बार ये कोएलिशन की गवर्नमेंट होगी, पंकज कपूर साहब क्या रियल एस्टेट सेक्टर इन स्पेसिफिक सरकार बदलने, किस तरह की सरकार है, किसकी सरकार है, इसका कोई सीधा डायरेक्ट कोरिलेशन कभी देखा गया, कोई इंपैक्ट सीधा सीधा आता है मार्केट पर? देखिए, मुझको तो ऐसा सीधा कोई भी कोरिलेशन कभी दिखाई नहीं दिया और यू नो स्टेट लेवल पे थोड़ा बहुत कभी कभार कहीं दिखाई दिया कि आपका चेन्नई जैसे एक स्टेट के अंदर जो है पिछले एक वक्त के ऊपर से जो है उस तरीके की तेजी नहीं दिखाई दी जो थी, और उसके अलावा एक मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर के ऊपर मार्केट डिपेंडेंट रहता है, जहाँ पे कमर्शियल ऑफिस के अब्सॉर्प्शंस के बेसिस पे जॉब क्रिएट होते हैं, रेजिडेंशियल का डिमांड जी। पंकज कपूर साहब, थोड़ा ऑडियो का इशू है, हम उसे करेक्ट करते हैं, लेकिन लगभग यही सवाल लेकर मैं गुलाम जिया साहब के पास जाता हूं। सर, आपके मुताबिक या आपके अनुभव में क्या कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हम देख सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वृहद या ब्रॉड टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अगर पहले मैं बात करूं रियल एस्टेट की। बहुत शुक्रिया जनाब मुझे इस शो पर बुलाने के लिए। तो पहले तो रियल एस्टेट, खास फोकस रियल एस्टेट पर रखते हैं। रियल एस्टेट में ये तो देखा गया है कि जब जब भी इलेक्शन का टाइम आता है, थोड़ी सी रफ्तार, खास तौर से मकानों के बिकने की रफ्तार इलेक्शन से थोड़ा पहले धीमी पड़ती है, लेकिन इस दफा वो भी नहीं देखा गया। यानी जो हम शायद पिछले कॉल में आपके साथ जब हमने डिस्कस किया था कि रियल एस्टेट इस समय एक ऐसे मकाम पर आ खड़ा है कि जहां पर सारे पुराने रिकॉर्ड धड़ाधड़ टूट रहे हैं, और वो चीज इलेक्शन के दौरान भी बरकरार रही। मई महीने की जो सेल्स थी, कम से कम मुंबई का अगर मैं जिक्र करूं, चूंकि आंकड़े हमारे सामने रखे हैं, पिछले 12 सालों में इससे बेहतर मई का महीना रियल एस्टेट के लिए नहीं गुजरा है। तो यूं समझ लें कि वो एक जो चीज थी जो इलेक्शन से थोड़ा पहले थोड़ा इंपैक्ट आता था, वो भी नहीं देखी गई है। तो एक तरह से बरकरार है, जो रफ्तार रही है मकानों की बिकने की वो बरकरार है। और दूसरी ओर जैसे पंकज जी बता रहे थे ऑफिस की, ऑफिस ट्रांजेक्शन भी बेहतरीन चल रहा है, जिसका मतलब कि जॉब क्रिएशन, नए जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं वो भी बेहतरीन है। तो ओवरऑल रियल एस्टेट के लिए एक बहुत अच्छा सा वातावरण ऑलरेडी बरकरार है, आगे चल के भी इससे तवक्को है कि बरकरार रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि जो मैक्रो लेवल पर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में पिछले चंद सालों में जो क्वांटम स्ट्राइड, जो बहुत बेहतरीन छलांगे मारता हुआ सेक्टर ये दिखाई दिया है, आगे चल के भी उसे यही उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में और बेहतरी आती हुई दिखाई देगी। तो गुलाम साहब, अब जैसे एक मौजूद सवाल ये रहेगा कि पहले हमने पिछले जो 10 साल देखे हैं कुछ सॉलिड गवर्नमेंट के देखे हैं, मतलब जब
बिल्कुल एक पार्टी की सरकार थी, था वो भी कोएलिशन, लेकिन फर्क पड़ता है कि आपके पास खुद की मेजॉरिटी कितनी है और आपके पार्टनर्स की कितनी है। इस बार भी मोदी सरकार है, लेकिन हम सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि वो फुल नंबर नहीं है बीजेपी के पास, इसलिए उनको कोएलिशन पार्टनर्स पर डिपेंड करना है। क्या ऐसे में लगता है आपको कि रिफॉर्म्स की रफ्तार या फैसले लेने की रफ्तार या जो एक पकड़ होती है एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों पर आपकी एक तरफा रहती है, जहां पर आप बहुत तेज़ी से काम करा सकते हैं, वो एक इम्पैक्ट आएगा जिसका हम नीचे परकुलेटिंग इफेक्ट रियल स्टेट पे देखें? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक सवाल है मिलीजुली सरकार का, तो इस पर तो कई सारे आंकड़े पिछले कुछ वक्तों में हमारे सामने आ चुके हैं। अगर मैं जिक्र उनमें से चंद का करूं कि जो इससे पहले वाजपेयी जी ने जो मिलीजुली सरकार चलाई, उस दौरान उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की मुहिम शुरू की थी। ये जो आज हम इन रास्तों को, इन नई सड़कों को, इन नए हाईवेज को देख रहे हैं, इसका संगे बुनियाद, इसका एक्चुअल इनॉग्रेशन वाजपेयी जी के समय हुआ था, विच वॉज अ कोलिशन गवर्नमेंट। उसके बाद भी जो यूपीए के समय में भी कई सारे जो स्टेट लिए गए, जो एक्शन लिए गए, वो भी बहुत यूनिक रहे, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वगैरह। तो केवल इसलिए कि ये एक मिलीजुली सरकार है, ये सोचना कि शायद रफ्तार वो नहीं रहे, इनफैक्ट मैं इसका कॉन्ट्रडिक्टरी दूसरी तरफ से ही मैं ये देखूंगा कि अब हो सकता है इस सरकार को एक तरह से ये भी हो कि हमें प्रूफ करना है कि हमने इतनी बेहतरीन सरकार चला रहे हैं। तो इस बार हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो सारे जो इससे पहले रफ्तार देखी गई पिछले 5-6 साल में, उससे बेहतर रफ्तार आगे बढ़कर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट दोनों में भी देखने को मिलेगी। जी ठीक है। कपूर साहब, आपने जैसे कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स की आप बात कर रहे थे, तो क्या मानूं, क्योंकि इस बार जो कोएलिशन गवर्नमेंट में पार्टनर है वो तेलुगु देशम पार्टी एक बड़ा पार्टनर है, तो आंध्रा की हम बात कर लें, उसमें हैदराबाद आ जाएगा, दूसरे मार्केट्स आ जाएंगे, या फिर बिहार की हम बात कर लें क्योंकि वहाँ पर JDU उनके पार्टनर है, तो क्या थोड़ा सा इन मार्केट्स में हलचल ज़्यादा दिखेगी, कुछ ज़्यादा काम होता हुआ दिखेगा, जो चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें या फिर सीधे रियल एस्टेट की बात कर लें? देखिए, थोड़ा बहुत तो आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा और थोड़ा सा अर्ली साइन दिखाई भी दे रहे हैं, जिस तरीके की डिमांड की जो बातें आ रही हैं मार्केट के अंदर कि कितना पैसा जो है आंध्र गवर्नमेंट के चंद्रबाबू नायडू आस्क कर रहे हैं फॉर द रिफॉर्म्स। तो इस तरीके का अगर पैसा अवेलेबल होता है और रिफॉर्म्स होते हैं, और उन्होंने ये काम जो है हैदराबाद में पहले भी किया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि आंध्र में आपको फिर से आपको निवेश एज वेल एज ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। और मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ जो गुलाम बात कर रहे हैं कि जो मिलीजुली सरकार है और जो मार्केट की इस वक्त की एफिशिएंसी है, इसको देख करके ये जरूर होता है कि गवर्नमेंट चाहेगी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, क्योंकि वो एक मेजर कंसर्न होकर के आया है जिसकी वजह से एक लॉस हुआ है। तो वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और रियल एस्टेट ग्रोथ दोनों आपको होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट जो है मेजर कंट्रीब्यूटर होता है लो इनकम और मजदूरों की जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक ये आपको दिखाई देगा। दूसरा, मुझे ये लग रहा है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा स्लो डाउन दिखाई दिया है, वहां पे आपको गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर आप पिछले 7 साल की आने वाले 7 साल के अंदर रिक्वायरमेंट देखिए, तो हमें 64 मिलियन मोर हाउसेस की जरूरत है, जिस तरीके की हमारी पॉपुलेशन और कंज्यूमर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो स्लो डाउन जिस सेगमेंट में अफोर्डेबल और लेस देन 30 लाख सेगमेंट के अंदर आया, वहां पे आपको थोड़ा बूस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से जो है रियल इस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज का परिपेक्ष है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, और थोड़ा इंडिकेशन जो है गवर्नमेंट ने बजट के अंदर दिया ही था कि जहाँ पे उन्होंने बोला था मिडिल इनकम अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए वो बड़े कदम उठाएंगे आने वाले वक्त पे, तो मेरे ख्याल से वो वक्त आ गया। और जिस तरीके की समीकरण बन करके मार्केट में आया है, यहाँ पे गवर्नमेंट बाध्य होगी कि जो कुछ उनके रिफॉर्म्स कम रह गए हैं उस रिफॉर्म को और ज्यादा प्रॉपल करें और बेरोजगारी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें और हाउस की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो लग रहा है कि इससे चाहे वो कोएलिशन में आ रहे हों, लेकिन घुमा फिरा के चीजें बेहतर होती हुई नजर आ सकती हैं, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं।
थोड़े और वाइड स्प्रेड हो जाएंगी चीजें। गुलाम साहब, तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हम ओडिशा को भी देख सकते हैं कि अब वहां पर केंद्र में भी यहाँ सरकार बीजेपी या एनडीए की, वहां पर भी सरकार उसी तरीके से सेम पार्टी की, तो उसका फायदा मिलेगा? भुवनेश्वर या ओडिशा एज अ मार्केट हम थोड़ी कम चर्चा करते हैं। देखिए, पिछले कुछ वक्तों में एक नया टर्म हमारे सामने आया है, एक नई डेफिनेशन आई है डबल इंजन गवर्नमेंट की। तो आप जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं उसका सीधा साधा ताल्लुक वहीं से है कि जब स्टेट और सेंटर दोनों में एक ही पार्टी है तो जाहिर सी बात है उसका असर उस स्टेट के ग्रोथ पर तो बिल्कुल देखा जाएगा। जहां तक उड़ीसा का बजाज जो इंडिविजुअल सवाल है, पिछले कई सालों में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ग्रोथ होता रहा है। चाहे अगर आप रास्तों की हालत देख लें या पानी देख लें, बिजली देख लें, उड़ीसा की बहुत तरक्की हुई है। लेकिन चूंकि वो सारा ग्रोथ या तो माइनिंग या उस तरह की बड़ी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है कि जहां पर डायरेक्ट वन ऑन वन हमें ज्यादा उस इसके बारे में मालूमात नहीं हो पाती, तो शायद उस कारण से वो थोड़ा बहुत पीछे रह गया होगा। जिक्र शायद हम इसलिए नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आगे चल के अब अगर सेंटर और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोशिश करें कि सर्विस सेक्टर में भी जो उड़ीसा में अब तक नहीं देखा गया है ग्रोथ, वो अगर आए जिसके कारण और ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो, और उसके उसके चलते फिर सारे नए कमर्शियल ऑफिसेज वगैरह का भी बड़े पैमाने में अगर उड़ीसा में शुरुआत होती है तो उसका उसका जाहिर सी बात है हमें बिल्कुल सामने उसका इफेक्ट, उसका असर दिखाई देगा। और इसकी उम्मीद की जा सकती है, अगेन वंस अगेन डबल इंजन गवर्नमेंट से इसका बिल्कुल एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। जी, तो इसका कोई रिपल इफेक्ट या इनवर्स इफेक्ट, पंकज साहब आप तो आते भी उसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में तो देखने को नहीं मिलेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये उसकी वजह से मिलेगा, बट मुझे ये लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड थोड़े आपको जो है ना बढ़ोतरी और दिखाई देगी, जो जहां पे जो चीजें छूट गई हैं और जो रियलाइज हुई इस इलेक्शंस के रिजल्ट से गवर्नमेंट को, उसको वो करते हुए दिखाई देंगे। तो हालांकि एक रोबस्ट इकोनॉमी है, तो अगर आप यूपी के इकोनॉमी में देखेंगे तो एक जो नरेटिव्स बन के आ रहा है कि वहां पे थोड़ा स्लो डाउन है प्रीवियस डिकेड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इकोनॉमिक अगर ग्रोथ को जो है वो बूस्ट करेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट हाउसिंग और कमर्शियल सेक्टर के ऊपर आएगा। मेरे हिसाब से जो जो कमियां थी उसको गवर्नमेंट भरपाई करेगा, और अगर किसी भी स्टेट की इकोनॉमी इंप्रूव होती है तो रियल एस्टेट के ऊपर उसका डायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। अब चूंकि ये एक ऐसे वक्त में सब कुछ हो रहा है जहां पर दो और महत्वपूर्ण घटनाएं साथ में बदल रही है, देश की सरकार बदल रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब मौसम का मिजाज भी बदलने वाला है। देश में मॉनसून की एंट्री हो गई है और धीरे धीरे ये रफ्तार भी पकड़ रहा है, और साथ में हमने क्रेडिट पॉलिसी भी आती हुई देख रही है। तो गुलाम साहब, क्रेडिट पॉलिसी में फिलहाल तो किसी प्रकार के कोई बदलाव हुए नहीं है, और अभी भी मुझे लगता है कि जो महंगाई की स्थिति है तो स्टेटस को ही रहने वाला है, इसमें बहुत परिवर्तन बहुत जल्दी शायद अभी देखने को ना मिले। अब चूंकि गवर्नमेंट चेंज हुई है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी या अलग तरीके से कोएलिशन गवर्नमेंट में थोड़े बहुत परिवर्तन आएंगे, आगे चलते हुए आपको आरबीआई की पॉलिसी और फिर उससे ब्याज दरें और फिर उससे रियल एस्टेट मार्केट, इन सबका जो आपसी संतुलन है वो कैसा नजर आ रहा है? देखिए, क्रेडिट पॉलिसी अपने आप में एक अलहदा मौजू है और आरबीआई बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इस चीज को हमेशा से गवर्न करती आई है, संभालती चली आई है। तो आज भी जो हमें दिखाई दिया है कि दरों में कोई कमी होती भी नहीं दिखी है, अगले एमपीसी में हम दोबारा इस पर गौर करेंगे। लेकिन एक चीज जो उससे ताल्लुक रखती हुई, जो हमें जिस चीज की उम्मीद है, पंकज जी ने उस पर एक छोटा सा स्टेटमेंट भी दिया है कि जो गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट जो 3.0 की बात हो रही है, इलेक्शन के दौरान इन्होंने एक वादा किया है कि पहले 100 दिनों के दरमियान अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत बड़े कदम उठाए जाएंगे, और उनमें से एक जो पिछले कम से कम 6-7 महीनों से पेंडिंग है वो है जो उससे पहले जिसका जिक्र किया गया था कि तकरीबन 72,000 करोड़ रुपए की का जो एक अमाउंट है वो अलहदा रखा गया है ताकि उससे अफोर्डेबल हाउसिंग को खास तौर से लोन में एक आसानी या एक राहत फराहम की जाए। और चूंकि ये 100 दिन का वादा है तो इस चीज पर हम थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। डायरेक्टली क्रेडिट पॉलिसी से शायद ताल्लुक ना रखता हो, लेकिन अगर ये जैसे ही इस चीज को वो आगे बढ़ाते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग के जो इनकम की रेट्स हैं, जो इंटरेस्ट की दरें हैं, उसमें हमें कम से कम 150 से 200, 1.5 से 2% के गिरावट की उम्मीद की जा सकती है, और जिससे
अफोर्डेबल हाउसिंग खास तौर से एक नए पैमाने पर दोबारा शुरू होना होता हुआ दिखाई देगा। पिछले कई चर्चाओं में हमने इस चीज का जिक्र किया है कि रियल एस्टेट में हर चीज सही चल रही है सिवाय अफोर्डेबल हाउसिंग के, और ये वो कदम है जो पिछले कुछ वक्तों से बहुत ही शिद्दत से जिसका इंतजार है। तो अगर पहले 100 दिन की प्रॉमिस जो गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले कर चुकी है उस पर अगर पूरे उतरते हैं तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग को भी रियल एस्टेट के एक और इंजन के बाद मानिंद आगे आता हुआ देखेंगे तो उससे ओवरऑल रियल एस्टेट की रफ्तार में और तेजी आती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, तो पंकज साहब, प्रधानमंत्री ने काफी अपने जो प्री इलेक्शन रैलीज हुई या इंटरव्यूज हुई उनमें जिक्र भी किया कि हमने इतने करोड़ 3 करोड़ घर दे दिए हैं, हम और देना चाहते हैं, आप तो मुझे नाम लिख के बताइए जो छूट गया है उसके लिए हम नए घर बनाएंगे और उसको देंगे। तो अफोर्डेबल हाउसिंग, मास हाउसिंग, इन सब में हम एक तेजी आते देखेंगे। और जिस 100 दिन के प्रोग्राम का गुलाम साहब जिक्र कर रहे हैं, 72,000 करोड़ एक बड़ा अलॉटमेंट है, कैसे डिप्लॉय होगा अलग बात है लेकिन ऑन पेपर्स है। बिल्कुल, और इसका अर्ली इंडिकेशन दिया भी गया है और जब से डिसकंटिन्यूएशन हुआ CLSS स्कीम का और ATIB, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड दोनों में एक अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो है वो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हुआ, तो मेरे हिसाब से उसका रीइनिशिएशन किया जाएगा और साथ में दूसरे और इंसेंटिव हो सकते हैं, शायद GST वेवर किया जाए, शायद इंटरेस्ट एग्जम्पशंस की लिमिट थोड़ी बहुत बढ़ा दी जाए, क्योंकि हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतना ज्यादा इम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इसका कंट्रीब्यूशन GDP के ग्रोथ के ऊपर भी होता है। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की तरीके से इसको देख करके आई थिंक गवर्नमेंट इसके तरफ जो है कुछ ना कुछ एक बढ़ोतरी वाले कदम उठाएगी। राइट, चलिए, तो चीजें काफी सारी हैं बकेट में जो कि होती हुई दिखाई देंगी इस मोदी 3.0 में, और चूंकि इस बार मामला कोएलिशन का है, गठबंधन का है, तो उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं जो हमें आगे वक्त के साथ आते हुए दिखाई देंगे, वो फैक्टर कैसे काम करते हैं थोड़ा और खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक तो पॉलिसी और एक ये दूसरा मौसम का टर्न अराउंड, देश में मॉनसून आ गया है, पानी गिरता है तो भी रियल स्टेट पर एक इम्पैक्ट आता है, उसका क्या फर्क पड़ेगा, और साथ में हम दर्शकों के लिए या हमारे घर खरीदारों के लिए इस पूरी चर्चा से क्या टेक अवे है वो चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल, जहां पर बात हो रही है देश में बन रही नई सरकार की और उसके क्या मायने हैं रियल एस्टेट मार्केट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। तो काफी चर्चा हुई ब्रेक से पहले, थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो गुलाम साहब, जैसा मैं पूछ रहा था कि मॉनसून का आगाज देश में हो रहा है, 3-4 महीने जब बहुत बारिश होती है तो उसका एक इम्पैक्ट हम रियल एस्टेट मार्केट पे देखते हैं, थोड़ी एक्टिविटी स्लो होती है और इस बार फुल ब्लूम पर रहेगा मॉनसून, ऐसे प्रेडिक्शंस हैं, क्या आपको आप दिख रहा है आगे चलते हुए 2-3 महीने के लिए? मॉनसून का जो सीधा साधा रियल एस्टेट पर अफेक्ट होता है वो लेबर अवेलेबिलिटी पर होता है कि कई सारे जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं या इवन सेमी स्किल्ड हैं वो उस दौरान चूंकि फसल बोने का वक्त शुरू होता है तो कई सारे लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर को छोड़कर अपने 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 गाँव अपने मकाम की तरफ चल पड़ते हैं, जिसके कारण लेबर का सीरियस क्रंच फील होता है रियल एस्टेट में, वो एक अपने आप में बड़ा मसला तो बना रहेगा। उसके अलावा दूसरा, जहां जहां खास तौर से मुंबई जैसे शहरों में जहां शिद्दत का की बरसात होती है वहां पर कुछ दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन काम पर भी काफी अटकलें लग जाती है, रोड़े पड़ते हैं, तो इन सबको लेते हुए ओवरऑल इफेक्ट तो काफी बड़ा होता है लेकिन इसका ट्रांजेक्शन पर इतना ज्यादा इम्पेक्ट नहीं देखा गया लॉन्ग टर्म। जाहिर सी बात है कि हम आज भी भारत एक अग्रेरियन कंट्री है जिसका डायरेक्ट संबंध आज भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से बहुत ज्यादा है, तो इस कारण जो वेल्थ क्रिएशन फ्रॉम बॉटम पिरामिड शुरू होता है उसका बरसात से डायरेक्ट कनेक्ट है और इसका इकोनॉमी पर ओवरऑल असर पड़ता है, जिससे जो वेल्थ अवेलेबिलिटी है, जो पैसे की जरूरत है जो आगे जाके रियल एस्टेट में आना है जिससे मकान खरीदे, उस दौलत के उस वेल्थ के क्रिएशन के लिए बरसात एक अच्छी तरह होना बहुत जरूरी है। तो हालांकि दोनों तरफ से इम्पैक्ट है, इसके रफ्तार थोड़ी स्लो हो सकती है लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मॉनसून अच्छा होना बहुत जरूरी है। जी,
पंकज साहब, तो देखिए सरकार नहीं आ रही है, बहुत कुछ काम पिछले 10-11 सालों में हुआ, रेरा जैसे रिफॉर्म्स हुए, और भी चीजें हैं, लेकिन स्टिल क्या आपको लगता है कि आगे भी कुछ ऑन द एंड ऑफ द गवर्नमेंट चीजें हैं जो अभी हमारे मार्केट को चाहिए, अगर हमें यहां से मार्केट और बेहतर करना है इन टर्म्स ऑफ मार्केट इटसेल्फ और घर खरीदारों के लिए भी? देखिए, एक तो मॉनिटरिंग रेरा की इम्प्रूव हो जाए तो जिससे थोड़ा डिसिप्लिन और बढ़ जाएगा, तो एक तो ये है कि रेरा तो इम्प्लीमेंट हुआ लेकिन मॉनिटरिंग तो अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग करनी चालू की और दूसरे स्टेट में जहाँ पे थोड़ी ओपेसिटीज है वहां पे अगर मॉनिटरिंग ज्यादा अच्छी तरीके से हुई तो वो एक तरीके से है। दूसरा मेरे हिसाब से ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बड़ा इनेबलर है रियल इस्टेट के अंदर। तो अगर आप देखिए तो हम शायद शहरों के भाव ना कम कर सके लेकिन हमने उससे ज्यादा लैंड कनेक्ट कर दी तो उससे एक अफोर्डेबिलिटी बन के आती है, जो हमने मुंबई जैसे शहर के अंदर देखा, जिससे एक मेट्रो का जाल आया या ट्रांसहार्बर आया जिसने डबल मुंबई की डबल साइज की लैंड और 40-45 मिनट के ट्रैवल टाइम में जो है वो कनेक्ट कर दी और उससे शहर के अंदर अफोर्डेबिलिटी बढ़ करके आती है। आई थिंक इस आयाम में जो है वो काम और होगा। तो गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लैंड कनेक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल इंफ्रा डेवलपमेंट, इसकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। और तो लैंड रिफॉर्म्स हैं, इसके अलावा मेरे हिसाब से जो इनेबलर्स हैं जहाँ पे आपका अप्रूवल मैकेनिज्म है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस है, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड है, एक बीच में बातचीत चल रही थी कि एक यूनिक आईडी प्रॉपर्टी की बननी चाहिए जिस तरीके का आधार तरीके का काम है, तो ये सारे अभी भी डेफिशिएंसीज है हमारे देश के अंदर। एक एक क्रेडिट के एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तरीके का डिजिटाइजेशन होने की वजह से, एक इंटर स्टेट का इंटरेक्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए तो एक डिजिटाइजेशन पे आपको खूब काम मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम दिखाई देगा और साथ में साथ अफोर्डेबिलिटी इनेबलर्स बन करके आएंगे, जो हमने बात की कि CLSS स्कीम हो गई या ATIB टाइप की स्कीम्स हो गई, थोड़ा GST पे जो इम्पैक्ट आता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर, तो गवर्नमेंट शायद इस पे रीलुक करेगी। ठीक है गुलाम साहब, आपकी फहरिस्त में कुछ? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो अब तक काम चलता आया है उसकी रफ्तार और बढ़ना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम मुंबई जैसे शहरों की बात करें, जाहिर सी बात है दिल्ली उस रफ्तार में थोड़ा आगे है। दिल्ली में पहले इंटर सिटी जो सारे डेवलपमेंट, सारी मेट्रो, सारी सड़कें वगैरह बेहतरीन तौर पर अब तैयार हो रही हैं, हो चुकी हैं, और उसके बाद फिर जो रीजनल डेवलपमेंट है, जो हम NCRTC का जिक्र करते हैं, जो मीरठ से दिल्ली को नमो एक्सप्रेस के थ्रू कनेक्ट किया गया है, अब उसी दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से पानीपत की जो अगली लाइंस हैं, दिल्ली अलवर जयपुर और दिल्ली पानीपत, वो हो रही हैं। मतलब ये कि रीजन सारे का सारा इकट्ठा इंफ्रास्ट्रक्चर के कवरेज में आएगा, जहां हाई स्पीड रेल्स चलेंगी। इसी प्रकार ऐसे रीजनल डेवलपमेंट दूसरे जो सेंटर्स हैं, जैसे मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ, इन सबको लेके मान लें, अगर मुंबई में भी आपने शुरुआत कर दी, आप मुंबई से पुणे, मुंबई से नासिक, मुंबई से नागपुर, मुंबई से गोवा, इन सारे वेस्ट के रीजन्स को भी अगर आप 1.5-2 घंटे के रफ्तार में आप कनेक्ट कर दें और उसके बाद अल्टीमेटली बेंगलोर में भी चले आए, वहां से आप आसपास के जितने शहर हैं, बेंगलोर, चेन्नई, बेंगलोर, मैसूर वगैरह, उन सबको भी आप रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट करता चलें, तो आप देखें फिर एक रफ्तार जो आगे बढ़ेगी, कि आज अगर जो मीरठ के लोग दिल्ली 50 मिनट में पहुंच रहे हैं, वैसे अगर पूना के लोग मुंबई में अगर 45 मिनट पहुंचना शुरू कर दें, आप सोच सकते हैं कि हमारे मुल्क का भविष्य किस तरफ जा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा गहरी उम्मीदें वाबस्ता है और हमें यकीन है कि इस बार, जैसा मैंने पहले कहा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ, उस पे फोकस, उस पे ध्यान पहले की बनिस्बत और ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। चलिए, हम भी सब यही उम्मीद करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जिस रफ्तार से अभी था, और जैसा गुलाम साहब कह रहे हैं, इनफैक्ट पंकज जी भी कह रहे हैं कि पहले से ज्यादा शायद फोकस आता हुआ दिखाई दे, कुछ नए मार्केट्स हमें आते हुए दिखाई दें, काफी काम हो जो कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को जनरेट करने वाला हो, तो वहां से नए इनकम ग्रुप्स पैदा हो, तो खरीदार आए नए, और साथ में अफोर्डेबल हाउसिंग, जो काफी समय से हाउसिंग की ग्रोथ हम देख रहे हैं लेकिन ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट थोड़ा पीछे छूट गया था, इस पर भी फोकस आता हुआ दिखाई देगा। तो मोदी 3.0 इस नई सरकार में
बहुत सारी चीजें हैं जो उम्मीदें भी लगाई जाएंगी, बहुत सारा वो खुद करने के लिए बोल रहे हैं, जैसा एक बड़ा बजट रखा हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, किस रफ्तार से काम होता है आने वाले दिनों में, बजट भी है वहां पर और पिक्चर साफ होती हुई दिखाई देगी। तो उम्मीद यही है कि 3.0 में यहां पर रियल स्टेट और इंफ्रा को भी एक 3.0 टाइप का पुश मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा के लिए, धन्यवाद।